तो देखिए आज हम आपको बता रहे हैं फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में कि फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम चेक करते हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी तो उसके लिए हमारे पास तो तीन मेथड होते हैं। एक मैंने बताया था वो लेफ्ट राइट वाला मेथड, सेकंड बताया था मैंने बाई ग्राफ, लेकिन ग्राफ वाला तो मैंने बेसिक में कहा था आपको, वो तो आपको बस वैसे पता होना चाहिए। और आज हम थर्ड जो टॉपिक बता रहे हैं आपको, प्रॉपर्टी से भी हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज, तो वही देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट है कि जो फंक्शन होते हैं आइडेंटिटी वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये फंक्शन होते कौन से हैं, देखिए ऐसा फंक्शन जिसमें f के साथ मैंने जो यहां पे डिफाइन किया है वही सेम वैल्यू इधर हो जाए तो मैं कह सकता हूं वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। सेकंड, अगर मान लीजिए इसमें x की जगह यहां 2x हो जाता है सपोज, तो इधर 2x होना चाहिए। अगर यहां y हो जाता है तो फिर यहां पे y होना चाहिए। अगर यहां a हो जाता है तो यहां पे a होना चाहिए। बस इसके अलावा कोई वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे तो ये सारे फंक्शन कहलाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और ऐसे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे मैं इसमें आपसे कहूं कि fx equals to 2x लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ये नहीं है, ये नहीं कि इसके बारे में बात हो रही, नहीं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि ये फंक्शन क्या होते हैं, तो ये वाला फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, मेन बात ये है। ठीक है, सेकंड आते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कि जो फंक्शन होते हैं कॉन्स्टेंट वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब ये फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें एफ एक्स इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में एफ एक्स जो यहां पे है एफ के साथ जो यहां लिख दिया गया पार्ट है वो इधर नहीं होना चाहिए। जैसे 2a प्लस बी जो यहां है साथ में वो इधर नहीं हो, जैसे एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू मैंने एक्स लिख दिया, आपको दिख रहा है यहां वाई है तो यहां वाई नहीं होना चाहिए, तो ये वाले फंक्शन कहलाते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, और ऐसे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू 7 हो गया इस तरह से। ठीक है, थर्ड टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कि जो फंक्शन होते हैं मॉडुलस वाले वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं मॉडुलस वाले, तो वही बता रहा हूं आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू जो यहां लिखा हुआ है वही इधर मॉडुलस में हो जाए, मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे जैसे एफ ऑफ वाई लिख दिया देन मॉडुलस ऑफ वाई हो जाए, इसके अलावा नहीं हो। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में 2x प्लस 1 हो गया, तो हमें डिफाइन हो रहा है क्वेश्चन में कि ये वाले फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है दोनों और ये हमेशा होते हैं कॉन्टिन्यूस, बट ये वाला फंक्शन मॉडुलस फंक्शन नहीं है तो इसके बारे में हमें नहीं पता ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसके बारे में हम चेक करके बताएंगे आपको बाद में कैसे होता है, लेकिन ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन नहीं है। बट आप कहोगे कि यहां तो मॉडुलस का यूज हो रहा है फिर भी मॉडुलस फंक्शन नहीं है। हाँ, मॉडुलस का यूज हो रहा है इसका मतलब ये मॉडुलस के मिक्सचर से बना हुआ फंक्शन है, तो इसमें मॉडुलस के साथ साथ एक और फंक्शन का यूज हुआ है, वो डिफाइन करेंगे बाद में क्या होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन नहीं है और इसके बारे में हमें नहीं पता कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, लेकिन ये वाले फंक्शन श्योर मॉडुलस फंक्शन है और इनको हम कह सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर फोर्थ है फर्स्ट आइडेंटिटी सेकेंड कॉन्स्टेंट मॉडुलस रेसिप्रोकल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्या होते हैं फंक्शन रेसिप्रोकल, तो एफ एक्स इक्वल टू जो यहां लिखा हुआ है वो इधर 1 ओवर हो जाए, बट कंडीशन ये x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। फिफ्थ है लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्या होते हैं फंक्शन लीनियर, तो लीनियर तो सबको डिफाइन ही होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो जाए, जैसे f ऑफ x इक्वल्स टू
वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, यहां x है तो यहां इसकी पावर 1 है, जैसे 2x प्लस 1, जैसे 7x, ये सारे फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन है और हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। नंबर 6 है पावर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्या होते हैं फंक्शन पावर, जैसे f of x equals to whole power show हो जाती है, x square, fx equals to x square, जैसे fx equals to x की power 3, इस तरह से जिसकी whole power show हो जाए वो function power function कहलाते हैं, वो function हमेशा क्या होते हैं continuous। वैसे हम आपको define कर देते हैं सारे function होते हैं continuous जो function show करते हैं अपनी polynomial value, जिस हम कह सकते हैं short में कि polynomial function जो होते हैं, polynomial फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कि जो भी फंक्शन होते हैं पॉलीनोमियल वो हमेशा क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सीधा भी डिफाइन कर सकते हैं। बस ये तो प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनता है, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन आते हैं पावर वाले भी, बिना पावर के भी, और जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट वो भी, सारे फंक्शन आते हैं इसके अंदर। इसके बाद है 7 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये भी होते हैं कॉन्टिन्यूअस बट एट इट्स डोमेन, इसमें ध्यान रखना है आपने कि ये अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डोमेन के बारे में आप क्लास 1 में पढ़ चुके हैं, उसी के ऊपर डिफाइन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में, बस पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने साइन एक्स लिख दिया, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, कोट हो गया, सीकेंट है, सारे हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन जो यहां लिखा हुआ है वही सेम साइन के साथ होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे साइन 2x, तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, प्योर नहीं है, मिक्सचर है, साइन का यूज तो हो रहा है बट साथ में जो एंगल आ रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मिक्स होके बना है, प्योर नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये हम बाद में बताएंगे क्या होता है इसके बारे में, लेकिन ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस तरह से हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं, इसकी एक दो प्रॉपर्टी और हैं वो देखी। नंबर 8, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज, कि जो फंक्शन होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले तो कौन से फंक्शन होते हैं वो देखिए, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं जेड फंक्शन, जेड फंक्शन शॉर्ट में इसको नाम दे सकता हूं मैं, ये फंक्शन पहले तो होते कौन से हैं वो देखिए आप ऐसे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां x लिखा हुआ है तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर यहां भी x ही होना चाहिए, इस तरह से ये कहलाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले तो हमें इस फंक्शन के बारे में समझना है ये फंक्शन क्या होते हैं, देखिए मैं ध्यान से बताता हूं आपको। जैसे यहां पे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू लिखी 2.4, तो इसके बराबर आंसर क्या आता है, जैसे मॉडुलस में वैल्यू होती तो उसके बराबर आंसर क्या आता है कि अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज है। तो जेड फंक्शन के बारे में क्या होता है कि इसके बराबर आंसर क्या आता है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, मुझे पता है ये नंबर लाई करता है 2 और 3 के बीच में, तो इन दोनों में छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है, यहां से हट जाएगा जेड फंक्शन। जैसे और देखिए मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 को पहले हम पॉइंट में चेंज करेंगे 0.5, और ये 0 और 1 के बीच में आता है तो आंसर आएगा छोटा इंटीजर 0। इसके बाद मैं इसमें 7 लिखता हूं फिक्स नंबर, तो फिर ये 7 का 7 ही आ जाएगा, अगर कोई इंटीजर इसके अंदर आ रहा है तो वो सेम टू सेम बाहर आएगा, चाहे वो नेगेटिव में हो और चाहे वो पॉजिटिव में हो, मान लो -7 है तो -7 आंसर आएगा इसका। जैसे और देखिए माइनस में 2.9 लिखा मैंने, अब क्या आंसर आएगा, तो ये नंबर किनके बीच में लाई करता है, किन दो इंटीजर्स के बीच में, ये लाई करता है -3 और -2 के बीच में, छोटा कौन सा है, छोटा -3 होता है, देन -3 आंसर आएगा। गलती से भी इसको प्लस में शो नहीं करना है, बाहर जो आएगा वो ही दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं जेंट फंक्शन, और ये वाला एक्चुअल जेंट फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या होता है मैंने भी आगे डिफाइन नहीं किया है, तो क्या होगा, फर्स्ट
इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कब, एट इंटीजर वैल्यू, एट नॉन इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू, जो वैल्यू इंटीजर नहीं होगी उसके ऊपर ये फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस, जैसे 1/2 पे कॉन्टिन्यूस, 1/4 पे कॉन्टिन्यूस, -3/8 पे कॉन्टिन्यूस, इस तरह से ये सब पे कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड डिसकॉन्टिन्यूस, ये होता है डिसकॉन्टिन्यूस भी कहां पे, एट इंटीजर वैल्यू, कि जो वैल्यू होती है इंटीजर उसके ऊपर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस भी शो करता है, जैसे इंटीजर वैल्यू होगी 2 पे, 1 पे, 0 पे, -1 पे, 4 पे, इन सब पे ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो इस फंक्शन के बारे में आपको याद रखना है कैसे कैसे होता है कॉन्टिन्यूटी और कैसे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। नाइन्थ है, इफ टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, अगर आपको दो फंक्शन दिए गए कॉन्टिन्यूस, तो दिए गए हैं कॉन्टिन्यूस, एक फंक्शन है fx equals to कोई भी और सेकंड फंक्शन है gx equals to कोई भी, अगर दो फंक्शन आपको दिए गए हैं कॉन्टिन्यूस तो ये फंक्शन इन ये अगर ये दो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस तो इनसे क्या बनता है, फर्स्ट तो इनका प्लस f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g एंड f डिवाइड g ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट कंडीशन कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इस केस के लिए, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, केवल इस केस के लिए बता रहा हूं, जी एक्स नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, बाकी किसी में कोई वो हो सकता है, बात कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा होते हैं कॉन्टिन्यूस। सेकेंड पार्ट है, देयर कंपोजिशन, देयर कंपोजिशन आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, कि इनकी जो कंपोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूस होती है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में 1.4 एक्सरसाइज के अंदर, क्या क्या होते हैं कंपोजिशन इनका, तो आपको पता है एफ ओ जी निकलता है, जी ओ एफ निकलता है, या एफ ओ एफ या जी ओ जी, ये सारे भी कॉन्टिन्यूस होंगे कब, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, इन प्रॉपर्टी के बेस हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मेन बात ये होती है क्वेश्चन में कि हमें कैसे पता रहेगा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से करना है या लेफ्ट राइट वाले रूल से करना है, मेन प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, हम समझ नहीं पाते क्वेश्चन भी कि हम किस ट्रिक से करें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन में लिमिट गिवन नहीं है, जैसे आपको बताते हैं लिमिट क्वेश्चन में गिवन होती है एटैक्स इक्वल टू जीरो, एटैक्स इक्वल टू वन के ऊपर, इस तरह से अगर लिमिट्स गिवन नहीं है और फिर आपसे कहे कि चेक करें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में एक्स माइनस टू, इसको प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस और मैंने आगे लिमिट नहीं डाली है, इसके लिए लिमिट नहीं डाली है तो फिर ये बाई प्रॉपर्टी होगा, ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिमिट नहीं दी जाए तो फिर वो बाई प्रॉपर्टी होता है, लिमिट दे दे तो लेफ्ट राइट वाले रूल से होता है, इस ट्रिक से आपको सोल्व करना होता है। जैसे मैंने ऐसा मॉडुलस का क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंशियल बताया भी था कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में एक्स माइनस टू, मैं आगे डाल दूं कि एट एक्स इक्वल टू टू पे चेक करना है इसके बारे में, तो फिर ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट को इक्वल शो करके ही प्रूव करना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तक लिमिट नहीं है तो बाय प्रॉपर्टी, लिमिट है तो क्वेश्चन में लेफ्ट राइट वाला रूल फॉलो होता है, और थर्ड वाला बाई ग्राफ वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था कैसे होता है उसके बारे में। इस तरह से आपको डिफाइन की है मैंने आप सारी प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी के बेस आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपको 6.2 जो आपके एलिमेंट की बुक के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करने, उसमें कुछ लास्ट में क्वेश्चन डिफाइन है तो वो बताएंगे, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को करना है तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे करना है बाई प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी यही है, इन सबका यूज करके बस आप सोल्व करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन देखिए उसी के ऊपर कैसे करना है।
जैसे मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, प्रूव दैट मॉडुलस में x माइनस टू इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको देख रहा है क्वेश्चन में कोई लिमिट गिवन नहीं है। सबसे पहले इसके लिए आप पहले मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने पहले इसे एफ एक्स में शो कर लिया ऐसे, क्योंकि जब तक कोई इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले इक्वल टू का साइन था एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स माइनस टू वो फंक्शन है, इसे आपने प्रूव करना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूस अब प्रूव कैसे होगा, तो मैंने बताया ना अब लेफ्ट राइट वाला रूल काम नहीं करेगा, अब हमारा काम करेगा रूल बाय प्रॉपर्टी से। अब प्रॉपर्टी से कैसे करना है वो सोचिए, देखिए ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले आप ये चेक करें इस फंक्शन के अंदर कितने फंक्शनों का यूज हुआ है, वो मैंने आपको बाय प्रॉपर्टी बताया है। तो प्रॉपर्टी में आपको बस देखना होता है ध्यान से कौन कौन से फंक्शनों का यहाँ पे यूज हुआ है। तो मुझे एक तो क्लियरली दिख रहा है कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस का फंक्शन है। सेकंड कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो सेकंड फंक्शन कहलाएगा आपका कंप्लीट। तो देखिए यहां पे लेट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू जो इस मॉडुलस के अंदर वैल्यू थी कंप्लीट मैंने वो सपोज कर ली एक्स माइनस टू जी एक्स इक्वल्स टू, और सेकंड मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से कि एच एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स है। पहले जो मैंने फंक्शन माने हैं चेक कीजिए ये फंक्शन क्या होते हैं। जैसे ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, मैंने डिफाइन किया प्रॉपर्टी में अभी, ये फंक्शन लीनियर है और लीनियर फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सेकंड ये फंक्शन कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन, और ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो मैंने पहले ऐसे दो फंक्शन ले लेने हैं इसको देख करके कौन कौन से कि जो हमेशा कॉन्टिन्यूस हो। पहले तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब अगर मैं इन दोनों फंक्शनों को मिला करके कोई तीसरा फंक्शन बनाता हूं, मिला करके बनाता हूं तो वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ये हमने बाय प्रॉपर्टी पढ़ा है। इस तरह आप प्रूव करें क्वेश्चन को। तो अब मिलाने के लिए मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टी लिखवाई है प्रॉपर्टी नंबर 9 के ऊपर, तो वो मैंने क्या बताया उसमें, या तो मैं इन दोनों का प्लस करूं माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा कॉन्टिन्यूस। बट आपको तो ये चाहिए ना, तो सोचिए क्या प्लस करने से मिलेगा, नहीं, माइनस से नहीं, मल्टीप्लाई से डिवाइड से नहीं, आपको ये फंक्शन इन चारों में से किसी पार्ट से नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे तो ये फंक्शन चाहिए इन दोनों का यूज करके, तो वो मिलता है आपको कंपोज से, जो मैंने आपको लास्ट में 9th का सेकंड पार्ट लिखवाया मैंने अभी कि देन देयर कि उनका जो भी हम करते हैं कंपोजिशन वो हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस। तो उसमें मैंने बताया आपको कि एफ ओ जी जी ओ एफ एफ ओ एफ या एच एच जी ओ जी इस तरह से सारे पार्ट निकालने, तो उसके अंदर आपको पार्ट कौन सा निकालना है इन दोनों का यूज करके। तो देखिए पार्ट कौन सा निकालना है, जी ओ एच या एच ओ जी, बस आपको ये डिफाइन करना है, क्योंकि सेम सेम तो आएंगे नहीं, जी ओ जी और एच ओ एच आएंगे नहीं, बस ये देखो दोनों में से कौन सा आएगा, जी ओ एच आएगा या एच ओ जी आएगा, तो वो यहां बताएगा फंक्शन जो बनाना है वो। इसमें शुरुआत कहां से है, तो आपको दिख रहा है फंक्शन की शुरुआत कहां से है, मॉडुलस से है, तो मॉडुलस दोनों में किस में है, एच वाले में, तो आपको यहां से एच ओ जी निकालना है। नाउ एच इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले शुरुआत एच से मॉडुलस से थी, मॉडुलस यहां पे है, एच ओ जी निकालना है, क्या आएगा एच ओ जी, ये मैं पहले बता चुका हूं कैसे निकालते हैं एच ओ जी। ये जी किसका फंक्शन है, तो आपको दिख रहा है ये जी एक्स का फंक्शन है, तो यहां पे एक्स आ गया पहले, फिर ओ हटा के एच करली ब्रैकेट, और यहां पे आपको जी एच डिफाइन करना है नेक्स्ट पार्ट में, एच और जी एक्स की यहां वैल्यू उठा के रखनी है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू, मैंने इसको रफली वाई मान लिया, एच ओ वाई हो गया यहां पे, ठीक है, हमने सोच किया है इसको वाई, एच ओ वाई हो गया। जब एच एक्स इक्वल टू मॉडुलस में एक्स है तो एच वाई कितना हो जाएगा, मॉडुलस में वाई हो गया, यहां से एच हट गया जी हट गया सारे पार्ट हट गए, मतलब इसके इक्वल ये वैल्यू आ रही है, और वाई की यहां से वैल्यू क्या थी एक्स माइनस टू, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्स माइनस टू इस तरह से। तो आपको यहां से क्या मिल गया, एच ओ जी इक्वल टू मॉडुलस में एक्स माइनस टू इस तरह से। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन ये भी होगा कॉन्टिन्यूस। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन
their composition, this is a compose, then their compose is also continuous. किनका कंपोज भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, तो मैं इससे लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एच ओ जी इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूस बाय प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने कि अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। आगे से एच ओ जी हटा दो, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इससे कर दे मेन का फंक्शन यही है इसके बराबर एच एफ एक्स ले लो यहाँ पे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस तरह आपने इस पार्ट को प्रूव करना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो हम इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बताया मैंने प्रॉपर्टी यूज कब होगा, जब लिमिट आपको नहीं दी जाएगी तो आप प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे मैं यहां पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में साइन एक्स है और इसको आपने प्रूव करना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, इज कॉन्टिन्यूस ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, फिर आप चेक कीजिए क्वेश्चन के अंदर कि ये कितने फंक्शनों से मिलकर के बना है, तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में एक मॉडुलस आ रहा है और एक साइन आ रहा है, तो मैं पहले सपोज कर लेता हूं लेट जी एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू और मॉडुलस के अंदर का कंप्लीट पार्ट सपोज कर ले आप कितना है साइन एक्स, तो आप कह सकते हैं जी एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स मॉडुलस फंक्शन इसलिए कॉन्टिन्यूस, एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए कॉन्टिन्यूस, देन इन दोनों का यूज करके जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो वो यूज कैसे होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ नहीं होना, आपको दिख रहा है ये वाला फंक्शन सिर्फ कंपोज से ही बनेगा। कंपोज में क्या आएगा, शुरुआत कहां से है मॉडुलस से, मॉडुलस किस में है जी वाले में, तो क्या निकाल रहे हैं जी को एच निकाल रहे हैं। नाउ जी ओ एच इक्वल्स टू जी ओ एच, एच किसका फंक्शन है एक्स का, जी ओ हटाओ और यहां लिखिए एच एक्स, हम पहले करवा चुके हैं सब कुछ, जी एच एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे साइन एक्स, मैंने इसको सपोज वाई किया, अगले पार्ट में मॉडुलस ऑफ वाई आ गया क्योंकि जी ऑफ वाई जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स है, देन जी ऑफ वाई मॉडुलस में वाई हो गया, इसका मतलब मॉडुलस में साइन एक्स हो गया और यहां पार्ट है जी ओ एच। बीच में वही स्टेटमेंट जो मैंने अभी यहां डाली है, we know that gx and hx are contained and their composition also continuous, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, then goh equals to modulus में sin x is continuous, this implies goh हटाओ यहां से, fx equals to modulus में sin x is continuous function, इस तरह डिफाइन करना। एक दो क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं इसी पे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, हम फिर डिफाइन कर रहे हैं कि fx equals to cos modulus में x is continuous, ये प्रूव करना है आपने, यहाँ पे फिर कोई लिमिट डिफाइन नहीं है तो फिर बाय प्रॉपर्टी करना है, उसके लिए आप फिर चेक करें यहाँ पे कितने फंक्शनों का यूज हुआ है, तो हम सपोज करते हैं देखिए ध्यान से, लेट gx equals to मैंने सपोज किया cos x एंड hx equals to और यहां ले लिया modulus में x, आपको दिख रहा है modulus में x एक अंदर का फंक्शन आ रहा है, तो ये फंक्शन मॉडुलस इसलिए कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए कॉन्टिन्यूस, देन तो इन दोनों का कंपोज कीजिए, सेम वही है प्लस माइनस तो होना नहीं है, कंपोज ही होना है, देन कंपोज से क्या बनेगा, तो कंपोज में क्या बनाएंगे, शुरुआत कहां से है कोस से फंक्शन की, तो कोस किस में आ रहा है जी वाले में, तो आपने यहां पे जी ओ एच निकालना है। नाउ जी ओ एच इक्वल्स टू जी ओ एच किसका फंक्शन है एक्स का, जी ओ हटाइए और यहां कीजिए एच एक्स, अगले पार्ट में जी और एच एक्स की रखो वैल्यू मॉडुलस में एक्स इक्वल्स टू जी और इसको वाई सपोज कीजिए, देन जी ऑफ वाई कितना हो गया कोस वाई, पहले बता चुके हैं सब कुछ के बारे में पता भी है, अगले पार्ट में कोस और यहां रखिए वैल्यू, यहां बीच में स्टेटमेंट आएगी फिर से वही, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे जी ओ एच इक्वल्स टू कोस मॉडुलस में एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब इसको हटा के आप यहाँ पे एफ एक्स कर दे, देन एफ एक्स इक्वल्स टू कोस मॉडुलस में एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना है लिमिट नहीं हो तो इसका यूज करना है, लिमिट है तो लेफ्ट राइट वाले तरीके से करना होता है, ठीक है यहां तक, लिमिट नहीं होती क्वेश्चन में तो ऐसे, लिमिट है तो फिर पता ही है मॉडुलस में वैल्यूज ब्रेक होके आती है,
प्लस में एक माइनस, उसके बाद उसमें लेफ्ट राइट का रूल लगाते हैं। देखो इजी पड़ जाता है मेथड इन तरीकों से। वैसे कभी क्वेश्चन में लिखा नहीं आता है भाई प्रॉपर्टी करना है, क्वेश्चन में सीधा आता है कि प्रूव दैट, ये तो आपको खुद समझना होता है कैसे करना है। तो बस वही ट्रिक बताइए मैंने आपको किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये फंक्शन प्रूव करना है आपने कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे होगा, इस बार कितने फंक्शनों का यूज हुआ है, फंक्शन एक लेकिन दो बार यूज हुआ है, फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक बट दो बार एक साइन और एक कोस। तो मान लेता हूं मैं लेट जी एक्स इक्वल्स टू, मैंने एक्सपोज किया साइन एक्स, और दूसरा एच एक्स इक्वल्स टू हमने एक्सपोज किया यहाँ पे कोस एक्स। इस तरह हमारे पास दो फंक्शन हो गए, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए कॉन्टिन्यूस, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए कॉन्टिन्यूस। देन तो अब आपको दिख रहा है खुद ही कि कंपोज नहीं केवल प्लस करना है, प्लस करते ही फंक्शन बन जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, दिस इंप्लाइज जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बीच में स्टेटमेंट वही कि वी नो दैट जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन देयर एडिशन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। बस एडिशन आएगा यहाँ पे कंपोजिशन पे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज जी एक्स प्लस एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। और अब अगर मैं इसको हटा के एफ एक्स कर दूं तो बात एक ही, देन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस तरह डिफाइन करना होता है, ठीक है। अच्छा अगर इसी पार्ट में इंटू आ जाए क्वेश्चन में जाए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, जैसे दूसरा पार्ट लिखा हूं इसी में साइन एक्स इंटू कोस एक्स को प्रूव करना है क्वेश्चन में, तो ये जैसा है सेम स्टेटमेंट लेनी है और दोनों की मल्टीप्लाई करनी, देन क्या आएगा जी एक्स इंटू एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देन यहां इंटू इज कॉन्टिन्यूस। इस तरह से पार्ट है वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए इसी में, दो पार्ट मान लेता हूं लेट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एंड एच एक्स इक्वल्स टू मोडुलस में एक्स ले लिया मैंने, तो क्या निकालना है, कंपोज करना पड़ेगा, बात तो कंपोज से बनेगी, कंपोज में शुरुआत मोडुलस से देन मोडुलस एच में है, तो यहां पे निकालेंगे नाउ एच ओ जी इक्वल्स टू एच ओ जी किसका फंक्शन है एक्स का, एच ओ हटाओ और यहां पे आ गया जी एक्स, अगले पार्ट में एच रखो जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, मैंने इसको y एक्सपोज कर लिया देन मॉडुलस में y हो गया और मॉडुलस में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो गया। बीच में स्टेटमेंट देन एच ओ जी इक्वल्स टू मॉडुलस में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इंप्लाइज एच ओ जी हटा के आप यहाँ पे एफ एक्स भी कर सकते हैं, मॉडुलस में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस तरह आपने प्रूव करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। तक तो ये होता है बाय प्रॉपर्टी, जो आपके 6.2 एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ये आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाई देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 इस तरह से लास्ट के आपको। अच्छा इसी पार्ट में इसी एक्सरसाइज के अंदर आप देखोगे 6.2 में, जिस 6.1 और 6.2 में दोनों में ही प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है, इन्हीं पे बेस है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है बताना है। वहां आप लेफ्ट राइट रूल चलाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी चलाते हैं, लेकिन 6.2 में आपको कुछ क्वेश्चन और भी दिखाई देंगे जो शुरुआत में है 1 से लेकर के और 6-7 तक है, वो कैसे करने हैं, तो उनमें कुछ की तो वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था टॉपिक के अंदर के वैल्यू निकालनी है या ए और बी के निकालनी है, तो वो तो वैसे ही पार्ट आपको मिलेंगे वैल्यू निकालने वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट नहीं मिलेगी, जैसे एट दिस ऐसे लिखा नहीं मिलता। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन है 2x प्लस 1 x नॉट इक्वल टू 2 4
एट एक्स इक्वल टू टू, और आगे नहीं लिख रखा है कि एट एक्स इक्वल टू टू पे चेक करना है, तो आपको खुद समझ जाना है क्वेश्चन को चेक करना है टू के ऊपर, ये आपको गिवन हो या नहीं हो। क्वेश्चन में जहां वैल्यू डिफाइन होती है उसी लिमिट के ऊपर आप वैल्यू सोल्व करेंगे, उसी पे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एक और बात, हम टू पे चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो याद रखना ये बात, जब टू पे चेक करेंगे तो ये फंक्शन हमें सिर्फ ये नहीं पता कि टू पे क्या है, लेकिन टू के अलावा ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है टू के अलावा। और अगर टू पे भी कॉन्टिन्यूस आ जाता है क्वेश्चन, मैंने सोल्व किया और क्वेश्चन टू पे भी आ गया कॉन्टिन्यूस, सपोज हम सोल्व कर रहे हैं और टू पे क्वेश्चन आ गया कॉन्टिन्यूस, तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर, सब पे कॉन्टिन्यूस हो गया। और अगर टू पे आता है डिसकॉन्टिन्यूस, तो सब पे कॉन्टिन्यूस टू पे डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर है केस कि किस तरह से आप प्रूव करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि राइट ऑल द एलिमेंट एट विच द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस, तो आपको पता होना चाहिए कि केवल टू पे चेक करना है क्वेश्चन को, इसी को टू पे चेक करेंगे, टू पे कॉन्टिन्यूस देन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर टू पे फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस, तो केवल टू पे डिसकॉन्टिन्यूस, बाकी सब पे कॉन्टिन्यूस है। इस तरह से वैसे आपको दिख रहा है, अगर मैं शॉर्ट में चेक करूं क्वेश्चन को तो क्या आएगा, टू यहां रखिए, टू टू द फोर, फोर प्लस वन फाइव, टू यहां रखिए फोर, तो आपको दिख रहा है यहां फाइव आंसर आ रहा है, यहां फोर आ रहा है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मुझे पता है फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस कहां पे, एट एक्स इक्वल टू टू पे। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट आर माइनस टू, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है बस उसमें टू नहीं है। और अगर टू पे आता कॉन्टिन्यूस, तो आप देखते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6.2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो एलिमेंट की बुक के अंदर है, उस तरह से, ठीक है। जैसे मैं और एक क्वेश्चन लिखता हूं उसमें भी वैल्यू डिफाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन, टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फोर, यहां जीरो ले लेते हैं, यहां पे टू ले लेते हैं, फोर एक्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फोर, थ्री एक्स प्लस वन ले लेता हूं, फोर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एट। सपोज इस तरह से मैंने पार्ट लिखा है, अब आपसे पार्ट में चेक करेंगे कहीं आपसे कि आप चेक करो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कहां कहां पे है, तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि लिमिट में क्या क्या आपको दे रखी है, लिमिट आपको दे रखी है 0, 2, 4, 8, आपको इन चारों पे चेक करनी है, बट चारों में से भी किन किन पे तीनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट तीनों मतलब लेफ्ट राइट और फंक्शनल। चेक कीजिए जीरो पे, क्या जीरो पे करती है एग्जिस्ट, तो जीरो पे दो करती है, एक तो एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी मतलब राइट हैंड, और एक इक्वल टू मतलब फंक्शनल, तो यहां पे जीरो पे दो लिमिट करती है एग्जिस्ट, तीसरी लिमिट कहीं नहीं करती है एग्जिस्ट, तो इस पे चेक नहीं करना होता है। सेम एट पे है, एट पे एक्स की वैल्यू एट से छोटी है, छोटी मतलब लेफ्ट हैंड, इक्वल है मतलब फंक्शनल, राइट हैंड यहां नहीं कर, तो एट पे भी नहीं चेक करनी है। बस कौन सा गया, टू, टू पे चेक कीजिए, एक्स वैल्यू टू से छोटी लेफ्ट हैंड, एक्स वैल्यू टू से बड़ी और इक्वल राइट हैंड और फंक्शनल, मतलब टू पे चेक होगा फंक्शन। फिर आपका फंक्शन फोर पे चेक होगा, क्योंकि फोर पे भी लेफ्ट हैंड करती है एग्जिस्ट, राइट हैंड और फंक्शनल लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से आप टू पे फोर पे चेक करेंगे केवल, जीरो और एट पे नहीं करेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से फंक्शन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस पे चेक करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि आगे आपको लिखा नहीं मिलता है कई बार क्वेश्चनों के अंदर। तो इस तरह हमारे पास थ्री टाइप्स के क्वेश्चन हो गए कॉन्टिन्यूटी में, फर्स्ट जिसमें आगे लिखा मिलेगा एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू थ्री, इस तरह से एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करना पड़ेगा। सेकंड ये वाले फंक्शन हो गए जिनमें आपको आगे इस तरह फंक्शन मिलते हैं बट ऐसे लिखा नहीं मिलता, तो आपको खुद देखना होता है कि मुझे कहां चेक करना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। और थर्ड बाय प्रॉपर्टी हो गए जो मैंने आपको यहां बताया, जिनमें आपको लिमिट्स ही नहीं दी जाएंगी, और इस तरह से आपको पार्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। Prove that
इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये प्रूव करना है। आपको देख रहा है क्वेश्चन में यहां पे गिवन नहीं है लिमिट, लिमिट गिवन नहीं, तो भाई प्रॉपर्टी करना है। बट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि उस फंक्शन में कितनी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो आपको दिख रहा है या तो केवल एक ही प्रॉपर्टी है, मतलब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो पार्ट आ ही नहीं रहे, तो मैं दो पार्ट क्या चूज करूंगा, जी एक्स और एच एक्स, फिर सोल्व करूंगा, किस तरह से करना है। तो आपको देखिए तो मुझे खुद एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब ये प्रॉपर्टी को ही प्रूव करवाया है क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये है सीधा प्रॉपर्टी को ही बोला गया है कि प्रॉपर्टी को प्रूव कीजिए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, प्रॉपर्टी को ही आपसे पूछे तो फिर लिमिट वाले तरीके का यूज करना है आपने। क्लियर है यहां तक? मतलब ये हुआ बाई प्रॉपर्टी क्वेश्चन तब होगा जब उस क्वेश्चन में आपको दो या तीन प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाए, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। यहां पे आपको ना लिमिट दी गई है और प्रॉपर्टी से करने करेंगे तो ये खुद एक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दो फंक्शनों का यूज हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में। तो प्रॉब्लम ये कि अब मैं सोल्व कैसे करूंगा, तो फिर वही तरीका काम आएगा, कौन सा, लेफ्ट राइट वाला। तो बट उसके लिए मेरे पास लिमिट होनी चाहिए, तो लिमिट आप सपोज कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लीजिए x इक्वल टू a कोई वैल्यू है और जो कहां बिलोंग करती है, रियल नंबर पे। अब आप a पे चेक करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और यहां पे f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, fx की वैल्यू है sin x। पहला केस की हम पहले करवा चुके हैं, पहला केस पुट करेंगे आप, फिर व्हेन x इक्वल्स टू a, h इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पे कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a माइनस h, सीधे आप बटा के रखे लिमिट, तो आपको आंसर मिलेगा साइन a। फिर आप निकालेंगे फंक्शनल लिमिट, फंक्शनल में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a पे, और यहां पे f ऑफ x, यहां पे केवल a की फंक्शन है तो सीधा हर बार वही यूज होगा साइन x, तो क्या आंसर आएगा यहां पे, साइन ए आएगा, दोनों इक्वल है। तो फिर आप थर्ड केस करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू फिर साइन एक्स आएगी। पहला केस आप फिर पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, व्हेन फिर से एक्स इक्वल्स टू ए, एच इक्वल्स टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस एच, एच की वैल्यू फिर जीरो, देन साइन ए आंसर आएगा। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल लिमिट, मतलब फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस। तो अगर सीधा प्रॉपर्टी को ही प्रूव करना आ जाएगी, प्रॉपर्टी को प्रूव करके बताएंगे कौन सा सही नहीं है, तो फिर आप लिमिट सपोज करके चलेंगे, इस तरह से करना है। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है कॉन्टिन्यूटी वाला। और अब आपका इसी में लास्ट टॉपिक है इसका डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब आप इसे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, उससे फर्स्ट उसकी शुरुआत है डिफरेंशिएबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करेंगे।